चीन का युआन वांग 6 जासूसी जहाज इन दिनों काफी चर्चा में है। इस शिप को चीनी सेना ऑपरेट करती है। इस जासूसी जहाज को ओडिशा तट से एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में भेजा गया है। हालांकि चीन का दावा है कि वांग 6 को एक रिसर्च और सर्वे करने के लिए रजिस्टर किया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास भी एक ऐसा मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जो 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के हर चाल पर नजर रख सकता है, साथ ही खुफिया जानकारी भी एकत्र कर सकता है। आज हम इस वीडियो में चीन के युआन वांग 6 और भारत का ट्रैकिंग शिप ध्रुव के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आइए सबसे पहले हम चीन के मिसाइल ट्रैकिंग शिप युआन वांग 6 के बारे में जानते हैं। दोस्तों चीन के पास इस तरह के 7 जासूसी जहाज हैं। चीनी सेना इन जासूसी जहाजों के जरिए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी हुई है। चीन के ये जासूसी जहाज बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों को पूरी जानकारी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा चीन युआन वांग जहाज के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट के मुताबिक युआन वांग 6 एक मजबूत ट्रैकिंग शिप है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ये जासूसी जहाज आवाजाही तब शुरू करते हैं जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल परीक्षण कर रहा होता है। इस जहाज में हाई टेक इव्स ड्रैपिंग उपकरण लगे हुए हैं। यह उपकरण 1000 किलोमीटर दूर हो रही बात को चुपचाप सुन सकता है। चीन के युआन वांग 6 में मिसाइल ट्रैकिंग शिप रडार और एंटीना से बना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। इसकी खास बात यह है कि यह सिस्टम अपने रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और मिसाइल की कमजोरी और ताकत की जानकारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहले से ही पता होती है, ताकि वक्त आने पर हमले को नाकाम किया जा सके। चीन का युआन वांग 6 जासूसी जहाज 22,000 टन का है। इसमें विशाल एंटेना, अत्याधुनिक सर्विलांस उपकरण और सेंसर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, सैटेलाइट की लॉन्चिंग की निगरानी और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के परिक्रमा पथ को पकड़ने में काफी कारगर है। चीन का यह जहाज PLA के रणनीतिक स्पोर्ट फोर्स का हिस्सा है, जिसमें चालक दल के 400 सदस्य हैं। यह जहाज सुंड्रा स्टेट के रास्ते हिंद महासागर में घुसा है। अब तक मिली जानकारी के हिसाब से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि चीन का यह जहाज कितना शक्तिशाली है। आइए भारत के स्पाइस शिप के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव के नाम से जाना जाता है। यह भारत का ऐसा पहला जहाज है जो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। 10,000 टन का यह खतरनाक जहाज भारत के भविष्य की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के केंद्र में है, क्योंकि यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर आने वाले दुश्मन के मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है और यह उस हमले को फेल करने की भी क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह जहाज हिंद महासागर में भारत के समुद्री रक्षा घेरे को मजबूत करता है और दुश्मनों से अलर्ट रखता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह ऐसे समय में चालू किया गया जब पूरी दुनिया में पानी के नीचे सशस्त्र और निगरानी ड्रोन का युग शुरू हुआ। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड ने DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया है और यह 2019 से भारतीय नौसेना का गौरव बढ़ा रहा है। इस जहाज में कई नई तकनीकें हैं। मिसाइल ट्रैक करने वाला यह जहाज रडार और एंटेना से लैस है। यह दूर से ही दुश्मन के मिसाइल या रॉकेट को ट्रैक कर सकता है। ध्रुव के पास DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक स्क्रिय स्कैन एरे रडार भी है, जिससे यह विभिन्न स्पेक्ट्रमों को स्कैन कर सकता है और भारत पर नजर रखने वाले जासूसी सैटेलाइट की निगरानी भी कर पाने में सक्षम है। ध्रुव भारत का पहला नौसैनिक पोत है जो लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है और भारत प्रशांत क्षेत्र में परमाणु बैलिस्टिक युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह विशेष महत्व रखता है। इनके अलावा INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में भी सक्षम है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और भारत के साथ सीमा विवाद होने की वजह से INS ध्रुव की महत्ता और बढ़ जाती है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच INS ध्रुव
भारत के समुद्री सुरक्षा घेरे के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करता है। हिंद महासागर के तल का मानचित्र करके INS ध्रुव भारतीय नौसेना को तीनों आयामों उपसतह, सतह और हवाई में बेहतर सैन्य संचालन की योजना बनाने में मदद करता है। यह देखते हुए कि चीन लंबी दूरी के विमान वाहक पोत, युद्ध पोतों और पनडुब्बियों में भारी निवेश कर रहा है, यह लेटेस्ट भारतीय जहाज भारत की इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली जासूसी एजेंसी NTRO को बहुत ही ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, एक तरफ आपने युआन वांग 6 की ताकत और उसकी खूबी को जाना, तो वहीं दूसरी तरफ आपने भारत के INS ध्रुव की ताकत के बारे में समझा। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल गया होगा कि भारत के स्पाई शिप और चीनी स्पाई शिप में कौन ज्यादा घातक और ताकतवर है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।